मॉडल सवाल पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर, अनिवार्य सामान्य अध्ययन का। इससे पहले कुल 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, ये चौथा है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जो चावल उत्पादन है उसमें भारत का स्थान है 2रा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के आंकड़ों के अनुसार धान के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में 2रा स्थान रखता है, पहले स्थान पे चीन का है। विश्व के सर्वाधिक अगर धान उत्पादन करने वाले देशों का क्रम देखें तो पहले स्थान पे आता है चीन, दूसरे स्थान पे आता है भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे बांग्लादेश, पश्चिमी पे वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फारुकुद्दीन अली अहमद, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि ये सन 1977 ईस्वी तक राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही 11 फरवरी 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। दिए गए विकल्प में सभी व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल था, श्री एस राधाकृष्णन जिनका 1952 से 62 तक कार्यकाल था, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, डॉक्टर वी वी गिरी 1967 से 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो यहाँ सिलिकॉन का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होते हैं वे अर्धचालक पदार्थ यानी सिलिकॉन के बनी होती हैं, जिसका आविष्कार 1958 में J.S. किल्बी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा था? तो पांडुचेरी ने भेजा था। पांडुचेरी ने सर्वप्रथम स्मार्ट भारत जो कार्यक्रम है, स्मार्ट सिटी भारत सरकार द्वारा शहरी नवीकरण एवं पुनः संयोजन कार्यक्रम मिशन जो नागरिक अनुकूलन और टिकाऊ बनाने हेतु विकास किया जाता है। प्रश्नानुसार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों की रैंकिंग में प्रथम शहर भुवनेश्वर का है। इस मिशन के लिए सर्वप्रथम पांडुचेरी ने अपना नामांकन भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल है, यानी C6H8O6 है, एस्कार्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नोएडा में की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की जो स्थापना होगी वो नोएडा में की, नोएडा में ही नॉलेज पार्क टायर सिटी राउंड का प्रथम निर्यात संवर्धन जो है संदर्भ औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा जो है तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC द्वारा रिफाइनरीज की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मथुरा में केंद्रीय वाणिज्य अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। मथुरा शहर अपना पीड़े के लिए ही प्रसिद्ध है, तो पीड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन ए राइट होगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया है भारत में संविधान निर्माण सभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो बी ऑप्शन निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था 1543 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिकतम भारत के इतिहास में प्राचीन भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आधुनिकतम भारत के इतिहास में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन ए वुड का घोषणा पत्र जो है, वुड का घोषणा पत्र है जिसे 1854 को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्व बैंक यानी IBRD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। तो बेटन वुड्स सम्मेलन ही 1944 में लिए गए थे। निर्णय के अनुसार स्थापित विश्व बैंक का मुख्यालय USA की राजधानी वाशिंगटन DC में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत आया विदेशी यात्री मार्को पोलो कौन था? तो ये अन्वेषक थे यानी खोजकर्ता थे, ये इटली के वेनिस शहर के मूल निवासी थे। जो मार्को पोलो, इनका मूल निवास कहाँ था? इटली के वेनिस शहर, जो कि दक्षिणी भारत के विजयनगर साम्राज्य में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्को पोलो आए थे। भारतीय इतिहास में ये विजयनगर साम्राज्य में ही सर्वप्रथम पहुंचे थे और इतिहास में इन्हें अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद, जिसे संगीत का जो उत्पत्ति हुई है इन्हीं से माना जाता है, सामवेद से। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है माना जाता है। ऋग्वेद,
जो है अपरूष से प्राचीनतम माना जाता है। अर्थभेद को जादू टीना का वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय के लिए लेटराइट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेटराइट मिट्टी जिसे मखरैला भी कहते हैं या इसी को पहाड़ी भी कहते हैं, मखरैला या पहाड़ी मिट्टी भी कहते हैं, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन लकड़ी को नहीं मानते हैं, यानी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म हैं, लकड़ी ईंधन नहीं है। यद्यपि ईंधन के रूप में प्रायः गांवों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जीवाश्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बी सी राजगोपालचारी जी थे। देश के आज़ाद होने और देश में नया संविधान लागू होने 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की अवधि में राष्ट्रपति के स्थान पर गवर्नर जनरल का पद था। इसी पद पर अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालचारी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संघ भारत का प्रमुख कौन होता है? तो बी राष्ट्रपति प्रमुख होता है संघ भारत का। देश में संविधान सर्वोच्च है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति संघ सरकार अर्थात भारत की सरकार का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चीनी यात्री फयान निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान जो भारत आए थे। गुप्तकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दशा का अपनी रचनाओं में वर्णन करने वाले चीनी यात्री फयान 394 से 414 के बीच भारत भ्रमण किया था। इस दौरान उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के विषय में क्या सत्य है? तो ये सत्य यह है कि यह अपठनीय है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा भी कहते हैं, कि लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, अर्थात यह अपठनीय है। क्वेश्चन नंबर 20, CNG अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है मोटर वाहनों में। CNG जो कि अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी है, का प्रयोग ईंधन के रूप में मोटर वाहनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण का सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो आदर्शवादी दर्शन को पसंद करते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है, तो अध्यापक का जो प्रारंभिक कार्य है वो ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुँचाना, यही जो है प्रारंभिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है, UGC द्वारा UGC अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को क्या आज्ञा नहीं है? तो आज्ञा नहीं है UGC की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश या विदेशी में कैंपस खोलना, ये नहीं है। बाकी उच्च शिक्षा के कार्यक्रम को चलाना और डिग्री प्रदान करना, ये है। किसी उच्च शिक्षा संस्थान को संबद्ध करना भी है। और इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रम को भी चला सकते हैं। तो UGC की अनुमति के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में अथवा विदेश में कैंपस नहीं खोला जा सकता, अन्य विकल्प दिए गए कथन में सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? तो यहाँ देखिए, 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसी को जोड़ा गया था। यानी 73 संविधान के संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि किससे है? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। 14, विधि के समय समता का अधिकार का बंद करता है। 15, कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का निषेध करता है। 15, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का प्रावधान करता है। इसके 18 को उपाधियों के अंत का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहते हैं? बी ऑप्शन, कोरिया को कहते हैं प्रातःकालीन शांति का भूमि, यानी ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। कोरिया प्रायद्वीप को प्रातःकालीन शांति की भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ 165 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सूर्योदय का आदर्श समय जो होता है शाम का प्रातः का 6 बजे है और सूर्योदय की जो पहली किरण जापान पहुँचती है, इसलिए जापान को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। कोरिया में उस समय प्रातः के 5 बजे होते हैं और इस समय प्राय परिवेश में शांति रहती है, इसीलिए कोरिया को प्रातःकालीन शांति की भूमि कहते हैं। नॉर्वे को अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि तथा ग्रेट ब्रिटेन को सायकालीन शांति की भूमि कहते हैं। तो ये भौगोलिक उपनाम है, इनकी देशांतरी स्थिति पर आधारित है कि ब्रिटेन को क्या कहेंगे, सायकालीन शांति की भूमि,
नॉर्वे को अर्ध रात्रि सूर्य की भूमि, जबकि कोरिया को प्रातःकालीन शांति भूमि, जबकि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। सिलेबस पर आधारित ये सभी 30 क्वेश्चन का 27वां क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के नेता तथा प्रख्यात पर्यावरणवादी जो चंडी प्रसाद भट्ट, कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन्हें गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिपको आंदोलन के नेता तथा प्रख्यात गांधीवादी पर्यावरणविद एवं पर्यावरणवादी चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2013 प्रदान किया गया है। नवीनतम नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की मलाया यूसुफ तथा भारत के कैलाश सत्यार्थी को एवं भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, किसे धरती का फेफड़ा कहते हैं? तो अमेजन बेसिन जो है ये धरती का फेफड़ा कहलाता है। तो यहाँ दक्षिण अमेरिका का मुख्यतः ब्राज़ील में स्थित अमेजन बेसिन के वनों से विश्व के करीब 20% ऑक्सीजन उत्पादित होती है, इसीलिए अमेजन को धरती का फेफड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को जनांकी विभाजन के रूप में जानते हैं? तो इसका ऑप्शन बी 1921। 1911 में भारत की जनसंख्या जो थी 252.09 मिलियन थी, जो घटकर 1921 में 251.32 मिलियन हो गई। 1931 में पुनः बढ़कर के 278.98 मिलियन हो गई। 1921 के पूर्व और पश्चात के दशक में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई, मात्र 1921 में जनसंख्या घटी, इसलिए 1921 को ही जनांकी विभाजन वर्ष कहा जाता है, महामारी के कारण था यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय पुंजांगरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ई राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुंज जागरण का जनक। अनेक समाज सुधारक कार्यकर्ने अनेकों समाज सुधारक कार्यकर्ने भारतीय चेतना के अभ्युत्थान में निर्णायक भूमिका के कारण राजा राम मोहन राय, जिनके सत प्रयासों से भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, भारतीय पुंज जागरण का जनक कहा जाता है। आत्मारंग पांडुरंग ने सब प्रार्थना समाज की, दयानंद सरस्वती जी ने आर समाज की तथा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 30 असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर दे रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी जो प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर वो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।